हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। कोरोना पर भारी सियासत या फिर सियासत पर भारी कोरोना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जिक्र करेंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि कोरोना का जो लगातार कहर पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है, उसके बीच स्कूल कॉलेजेस को ओपन करने का फैसला जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था और 2 अगस्त से लगातार कंटिन्यूसली स्कूल्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। सो उसी बीच बहुत सी ऐसी खबरें आए कि थर्ड वेव जो है आने वाली है। तो क्या थर्ड वेव सच में आने वाली है, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ सकता है या फिर वो एक सियासी ही रंग है, आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्कूल्स की। तो अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो पंजाब में 2 अगस्त से लेके अब तक लगातार ही जो है ना वो स्कूल्स शुरू हो चुके हैं और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस भी ओपन हो चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस कॉलेजेस में भी शुरू हो चुकी हैं, हालांकि यूनिवर्सिटीज प्रॉपर तौर पर ओपन नहीं हुई। 8 400 400 400 एक ऐसा एजुकेशनल सोल्यूशन जिसमें आपको चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या हो बायोलॉजी, किसी भी प्रकार का एजुकेशनल डाउट होगा, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और वो भी अपने व्हाट्सएप पे। आपको करना क्या होगा, इसी नंबर को सेव करना होगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की पिक्चर खींचनी है और सेंड करनी है इस व्हाट्सएप नंबर पे, और विद इन 5 सेकंड्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो क्लास 6 से 12 तक के हो, आईआईटी जेई मेंस हो या फिर सीबीएसई या फिर किसी अदर बोर्ड से हो। सो दोस्तों आपको करना क्या है, इस नंबर को सेव करना है 8 400 400 400। तो दोस्तों इंतजार किस। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पंजाब की सियासत में जो है ना, अब पंजाब के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, उसके चलते क्या है जी, जब पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि जो थर्ड वेव है वो अक्टूबर में आ सकती है, तो दोस्तों अक्टूबर महीने की जो शुरुआत है वो होने वाली है, सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं। लेकिन जब से नए सीएम पंजाब के बने हैं तो उसके बाद कोई भी ऐसी बात नहीं उठी जिसके चलते ये कहा जाए कि जी कोरोना की जो थर्ड वेव है वो आ सकती है। सो इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि जो कोरोना है, कोरोना के ऊपर सियासत जो है वो भारी पड़ चुकी है। इसका मतलब हम सीधा सीधा यही निकाल सकते हैं कि कोरोना जो है शायद वो कहीं ना कहीं एक सियासी रंग भी होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत जो है वो हो जाएगी, और कोरोना की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी 30 सितंबर तक ही थी जो के पुराने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐलान करके गए थे। अब देखना यही होगा कि क्या 1 तारीख से कोई नई अपडेट्स आ सकती हैं। जो भी नई अपडेट्स आएंगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।